दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे इस प्रोग्राम बॉलीवुड रिवाइंड पर हमेशा हम आपको कोई ना कोई खास, बहुत ही अहम और बहुत ही सुंदर शख्सियत से मिलवाते हैं। और जैसे कि आज हमारे साथ हैं मोहम्मद अजीज साहब। सर, आप अपनी जर्नी, जो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को बिल्कुल मालूम ही नहीं है, हाउ यू स्टार्टेड योर करियर? मैं बचपन से ही गाता हूँ, क्योंकि ये जो कला का मामला है, जो फाइन आर्ट्स का, उसका ताल्लुक जो है वो बिल्कुल आदमी के अंदर, शरीर में, आत्मा में और खून में जब तक नहीं हो तो वो कलाकार नहीं बन आपकी सकता। रूह से? हाँ जी, सही बात। तो मेरा भी बचपन से बहुत ही लगाव रहा है। मैं जब 6 में था तभी से मैंने बाकायदा गाना शुरू कर दिया। पर मतलब कैसे किया, एकदम सोचा कि फिल्म में ट्राई करना है, गाना गाना है कि क्या किसी होता ने आपको? ना, देखिए, ये जो 17 साल का जो सफ़र था मेरा स्टेज लाइन का, उसमें मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया था कि गा लूँगा, तो मेरी हिम्मत बढ़ी और मेरा एक्सपीरियंस भी बढ़ता गया गाते 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 गाते। फिर कैसे, मतलब आप कोई जो आपका रहने वाला था बॉम्बे में, एकदम आते ही, क्योंकि ये शहर, वो कलकत्ता में एक साहब थे जो मुझे बहुत पसंद करते थे, उनके भाई यहाँ पे प्रोड्यूसर थे, तो उनके बड़े भाई ने एक लेटर दिया था कि जाके मिलो। तो उनसे मिला, उन्होंने अन्नू मलिक जी से मिलवाया, वो भी नए थे उन दिनों। कि अन्नू जी ने मुझे बोला तुम मेरे घर पे आते रहो। तो मैं आता जाता रहा, बिल्कुल घर जैसा हो गया मेरा। और फिर मुझे एक म्यूजिशियंस ने ले जाके उषा खन्ना जी से मिलवाया, संगीतकार, नाम सुना हो बिल्कुल। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, उन्होंने मुझे कई फिल्मों में गाने गवाए 83 में। और फिर उन्होंने एक दो जगह मुझे भेजा भी, प्यारे लाल जी के यहाँ भेजा। इस तरह बस स्लोली स्लोली छोटी मोटी फिल्मों में गाते गाते, फिर अचानक मैं एक जगह पेइंग गेस्ट था, तो वहाँ मैं सो रहा था। सुबह 7 बजे एक लड़का आया, आके बोला जल्दी तैयार हो जाओ और एकदम चलो, अभी अन्नू जी के यहाँ जाना है। अरे यार, इतनी सुबह क्या बात है? बोले अरे तुम्हारी तो निकल पड़ी भैया, तुम आज अमिताभ बच्चन के लिए गाने वाले मनमोहन देसाई की पिक्चर मर्द में। अरे सुपर हिट हीरो। और तो मैं गया, तो उन्होंने कहा जल्दी से गाना लिखो और तैयार हो जाओ, 3 बजे से रिकॉर्डिंग है और तुमको अच्छी तरह गाना गाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये मनमोहन देसाई जी हैं, अरे बाप रे बाप, वो तो एकदम तुम्हारी आवाज़ हटा देंगे। तो मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी पिक्चर है, मुझे मैं तो जान लगा दूंगा। जब गाना रिकॉर्ड हुआ तो सारे लोग झूमने लगे और मनमोहन देसाई जी तो ओवर एक्साइटेड हो गए एकदम, कहा कि भाई मुझे जिसकी तलाश थी वो मिल गया, क्या बात है, बहुत खुश हुए। सर, अब यहाँ पर वो गाना तो बनता ही है, मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे। ब्रेक हो गया एंड देन उसके बाद ये जो ब्रेक हुआ ना, तो पूरी इंडस्ट्री में हल्ला मच गया। तो फिर क्या हुआ, फिर बप्पी दा ने बुलाया, फिर राजेश रोशन जी ने बुलाया, ऐसे सब लोग बुलाने लगे, मतलब सचमुच में निकल पड़ी, निकली पड़ी बिल्कुल। ओके। और आपकी आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब से इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल से पहचानना मुश्किल होता था शायद। ये नाम सुनता हूँ मुझे बहुत डर लगता है। मैं नहीं नहीं बराबर है, मेरे गुरु मेरे आदर्श हैं, सब बात सही है कि मैंने बचपन से उनको सुन के सीखा, उनके गाने गाता था, अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट भी है। मैं उस पर मैंने एक शेर भी कहा है, शेर सुनिए, इशार, तू आफ्ताब था, तू मतलब रफ़ी साहब, तू आफ्ताब था, रोशन किया जमाने को, क्या बात है, मैं महताब हूँ, महताब मतलब चांद, आफ्ताब मतलब सूरज, मैं महताब हूँ, है मुझ में रोशनी तेरी। इतने सुंदर शेर के बाद एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। और जैसे कि आप जानते हैं, हमारे साथ में हैं मोहम्मद अजीज साहब। सर, आपकी शुरुआत एकदम मेगा स्टार अमिताभ बच्चन जी के साथ हुई, उसके बाद आपने राजेश खन्ना और फिर दिलीप कुमार, मतलब एक के बाद एक सुपरस्टार लोगों के लिए अपनी आवाज़ दी, तो उन फिल्मों और उन गानों तक आप कैसे पहुँचे? हमारी इंडस्ट्री अजीब है,
कि जब किसी का खाता खुलता है तो फिर खुलता ही जाता है, और जब खाता बंद होता है तो एकदम ही बंद हो जाता है। ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। हाँ, और वैसे भी हमारी इंडस्ट्री में शुरू से रहा है चढ़ते सूरत को सलाम करना। तो जैसे मेरी चर्चा शुरू हो गई कि भाई इस लड़के ने ऐसा गाया, तो मुझे फिर बप्पी दा ने बुलाया। गिरफ्तार पिक्चर में गाना गाया मैंने आशा जी के साथ पहली बार। फिर मुझे एक गाना मिला, राजेश रोशन जी ने बुलाया आखिर क्यों फिल्म में। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि राजेश खन्ना जी तो किशोर दा के अलावा किसी की आवाज़ नहीं जी लेते। मैं बहुत एक्साइटेड हुआ और वो गाना मैंने गाया और राजेश खन्ना जी ने गाना सुना और बहुत खुश हुए। उसके बाद मैंने 3-4 गाने उनके लिए गाए। सर दो लाइन गुनगुनाइए ना वो। एक अंधेरा लाख सितारे, एक निराशा लाख सहारे। मैंने आपको एक बात बताऊं, मैंने नौशाद साहब के लिए गाया, मैंने शंकर जयकिशन जी के लिए गाया, मैंने रवि साहब के लिए गाया, सीनियर्स की बात कर रहा हूँ, खय्याम साहब के लिए गाया, मैंने कल्याण जी भाई के लिए गाया, लक्ष्मीकांत प्रहलाद जी के लिए गाया, राजेश रोशन, अन्नू मलिक, बप्पी दा, ये सब गाया, संजीव दर्शन के लिए भी गाया। और अनुराधा पौडवाल जी के बेटे आदित्य पौडवाल, यानी फिफ्थ जनरेशन के लिए मैंने गाया। मैंने लता जी, आशा जी से लेकर श्रेया घोषाल तक के साथ गाने गाया। बहुत सुंदर। और मैंने किशोर दा के साथ 9 गाने गाए हैं डुएट लाइव रिकॉर्डिंग। तो जो 9 गाने उनके साथ खड़े होकर गाए हैं लाइव रिकॉर्डिंग, वो तो कितना अच्छा रैपो बना होगा, आप सोचिए। कोई ऐसा यादगार लम्हा जो एकदम लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है और एकदम आपको ऐसा ध्यान में आता हो कि किशोर दा रिकॉर्डिंग के दौरान काफ़ी टाइम लगता था ना लाइव रिकॉर्डिंग में। तो वहाँ से उन्होंने कुछ चॉप मंगवाया, मटन और पोटैटो मिला हुआ चॉप होता था, वो मंगवाया उन्होंने 4, 2 मुझे दिया, 2 खुद लिया, और उन्होंने भी खाया मैंने भी खाया। फिर मैंने खाया, खाने के बाद मैंने पानी भी पी लिया। तो मुझे देख रहे थे बहुत ऐसे, देख के बोला एक बात बता, ये ऑयली चॉप तूने खाया 2, उसके बाद पानी भी पी लिया तो तुझे कोई गले में तकलीफ नहीं होगी। मैंने कहा दादा मैं इतना बड़ा सिंगर थोड़ी हूँ और ना मैंने कभी सोचा भी इस बात को लेके। खाया है तो पानी पीना पी लिया। तो बोलता रही यार कमाल है तू, तू कमाल आदमी है। फिर उसके बाद 86 में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था बॉम्बे में भी, दिल्ली में भी, कलकत्ता में भी, होप 86, पूरी इंडस्ट्री गई थी इधर। तो हम लोग उस वक्त भी फ्लाइट में साथ में थे, फिर काफ़ी रिकॉर्डिंग में साथ रहे हम लोग। किसको कहें हम अपना, लोगों कहो खुदारा, दुश्मन से बढ़ के निकला जो यार था हमारा। सुधा मैंने गाया था, उषा खन्ना जी का संगीत था, और भी फिल्मों में गाए मैंने, घर संसार, मुकद्दर का फैसला, इंसाफ की पुकार, अंजाम खुदा जाने, ऐसे से बहुत काम किया। नाम पिक्चर के बहुत सुपरहिट गाने आपने जो गाए। तेरे जाने की खुशी और दिल उदास है, दूर हम हुए तो क्या, दिल तो दिल के पास है। वेलकम बैक टू बॉलीवुड रिवाइंड, और जैसे कि हमारे साथ हैं मोहम्मद अजीज साहब जो कि एक के बाद एक सुनहरी यादें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो सर एक बात और आपके बारे में बहुत फेमस है कि कहते हैं 7वां सुर लगाना, उस स्केल पर गाना बहुत ही मुश्किल होता है, और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, तो ये एग्जैक्टली क्या पहेली है? उन दिनों जो मेरे
साथ जो सिंगर्स थे कलीग्स, सभी सिंगर्स से मैं हाई पिच में गाता था, बहुत हाई पिच में। लोगों ने मुझे बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में ऊंचे ऊंचे गाने गवाए और मैं कहीं भी कतराया नहीं, इनकार नहीं किया और मैंने गाया। मिसाल के तौर पे आप अगर देखेंगे कब तक चुप रहूंगी फिल्म का बप्पी दा का गाना है, मितवा और भी ऊंचा है, मैं जरा नीचे से गा रहा हूँ। भूल न जाना मुझको, भूल न जाना। तो इस वजह से शायद मेरा नाम पड़ गया सातवां सुर में गाने वाला, हालांकि ऐसी बात नहीं है। खैर अच्छा है, ये भी एक कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है। और आपको बताऊं ये मुझे सातवां सुर अवार्ड भी मिला, ये देखिए क्या बात है, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है सर। जी सर, आपकी एनर्जी की बात से मुझे याद आया अनिल कपूर साहब, राम लखन मूवी में आपने उनके लिए गाया, एंड ही सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक एक्टर्स। मैंने उनके लिए बहुत गाने गाए हैं, ऐसा नहीं है, कम अज कम 25-30 गाने तो श्योर शॉट गाए हैं। लेकिन जो सबसे पॉपुलर गाना है वो है राम लखन का 1, 2, 4 माय नेम इज लखन। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ मैं जो वो तुम भी करो। सर उर्दू भाषा का गायकी में कितना महत्व है? गाने वाले को 100% उर्दू आना ही चाहिए, नहीं तो उसको गाना नहीं गाना चाहिए। क्यों? बाकी एक शब्द है, आप उसको बाकी कैसे कह सकती हैं? आप सोचिए ना, जो शब्द जो है, जो लफ्ज़ जो है उसको करेक्ट प्रोनाउंस करने में मजा है ना। सर आपने बहुत सारे मोटिवेशनल सॉन्ग्स गाए हैं, तो कोई ऐसा जो आपके दिल के बहुत करीब है? कोई आदमी किसी फुटपाथ पे बैठ के रो रहा था, उसके पैर से खून निकल रहा था, और तो कोई वहाँ से गुजर रहा था, उसने कहा कि भाई क्या हुआ तुमको, ये जख्म कैसा? बोले नहीं वो कांटा छुप गया है, मेरे पैर में जूते नहीं हैं तो ये कांटा छुप गया, अगर जूता होता तो शायद ये ऐसा नहीं होता। तुम इस बात का रोना रो रहे हो कि तुम्हारे पास जूते नहीं हैं, इस बात के लिए खुश हो जाओ कि तुम्हारे पास पैर तो हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पैर ही नहीं हैं। तो उसी तरह का एक गाना है, दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम। सर आप रफ़ी साहब से इतने ज़्यादा कंपेयर किए जाते थे आवाज़ के मामले में, उनके बारे में उनसे जुड़ी हुई कुछ याद आप वो शेयर कीजिए। रफ़ी साहब मेरे बचपन का प्यार हैं आप कह सकते हैं, क्योंकि मैंने उनको अपना गुरु आदर्श माना और बचपन से उनके गाने सुने, उनके गाने गाए। और एक मज़ेदार बात कहना चाहता हूँ मैं, लक्ष्मीकांत जी ने बुलाया, बुला के कहा आज मैं तुझे एक ऐसा तोहफा देने वाला हूँ कि ये तेरी ज़िंदगी का एसेट होगा। आप सोचिए जिस आदमी को मैं बचपन से सुनता आया हूँ, जिनके लिए मेरे दिल में इतनी श्रद्धा इतनी रिस्पेक्ट है और जिनके गाने गाकर मैं बड़ा हुआ हूँ, उनके लिए मैंने गाने गाया फिल्म क्रोध में। सुरों की सुरीली वो परवाज तेरी, बहुत खूबसूरत थी आवाज़ तेरी, जमाने को जिसने दीवाना बनाया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आए। आज का बॉलीवुड रिवाइंड हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली बार फिर से एक और सेलिब्रिटी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए,